बॉलीवुड में जब भी खड़ूस सास के किरदार की बात होती है तो दिमाग में एक चेहरा उभर कर आता है। वो एक्ट्रेस जिसका चेहरा बेहद खूबसूरत था, लेकिन एक्टर भगवान दादा की वजह से चेहरे की खूबसूरती चली गई, आधे शरीर में लकवा हो गया, एक आंख छोटी हो गई। इसके बाद भी दुख कम नहीं हुए। कई साल बाद मुंह में कैंसर हो गया तो इन्हें लगा कि फिल्मों में किए गए निगेटिव रोल की वजह से ऊपर बैठा भगवान सजा दे रहा है। आज कहानी हिंदी सिनेमा की बेहतरीन एक्ट्रेस ललिता पवार की। इनकी जब मौत हुई तब 3 दिनों तक उनका शव कमरे में सड़ता रहा। नमस्ते, मैं अंशुल हूँ, आप हैं मंच पर। नासिक के बड़े सिल के कारोबारी लक्ष्मण राव की पत्नी अनुसुईया देवी 18 अप्रैल साल 1916 को मंदिर जा रही थी। अभी मंदिर के गेट तक पहुँची ही थी कि अचानक लेबर पेन होने लगा। जब तक अस्पताल ले जाते तब तक उन्होंने एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दे दिया, जिसका नाम रखा गया अम्बा। उसकी आंखें बेहद खूबसूरत थी। उस दौर में लड़कियों को लोग कम ही पढ़ाते थे, इस वजह से अम्बा भी ज़्यादा नहीं पढ़ पाए। 9-10 साल की उम्र में जब वो पिता के साथ पुणे में एक फिल्म की शूटिंग देखने गई, इस वक्त मूक फिल्मों का दौर था। शूटिंग देखते वक्त एक डायरेक्टर की छोटी सी अम्बा पर नज़र गई तो चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल मिल गया और यहीं से उसकी फिल्मों की दुनिया में एंट्री हो गई। 15 साल की उम्र में अम्बा की गणपत पवार से शादी हो गई और अम्बा का नाम हो गया ललिता पवार। शादी के बाद भी उन्होंने कई सारी मूक फिल्मों में काम किया, कई फिल्में प्रोड्यूस करी। जब बोलती फिल्मों का दौर आया तो साल 1932 में करियर की पहली बोलती फिल्म कैलाश में काम किया। ललिता पवार सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थीं तब वे बेहद ही खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेस में गिनी जाती थी। हर तरफ उनकी चर्चे होते थे। ललिता पवार ने जब फिल्मों में काम करना शुरू किया था तो उन्हें 18 रुपये मिलते थे। देखते ही देखते वे सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हीरोइनों में शुमार हो गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक हादसे से उनकी ज़िंदगी तहस नहस हो गई। साल 1942 ललिता पवार एक्टर भगवान दादा के साथ फिल्म जंगे आज़ादी के लिए शूट कर रही थी। एक सीन में भगवान दादा को ललिता पवार को थप्पड़ मारना था, लेकिन गलती से ललिता पवार को थप्पड़ कान पर लग गया। इस कारण उनकी आंख के पास की नस फट गई। अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां मिले गलत ट्रीटमेंट से हालत और बिगड़ गई। उनके शरीर के एक हिस्से में लकवा आ गया। कई सालों तक इलाज चला, वो ठीक तो हो गई पर उनकी एक आंख खराब हो गई और करियर भी खराब हो गया। इस दौरान ललिता पवार ने अपनी ज़िंदगी में भी कई उतार चढ़ाव देखे। पति गणपत पवार ने भी उनका साथ छोड़ दिया। इसके बाद ललिता ने राज प्रकाश गुप्ता से शादी करी। करीब 3 साल बाद जब वे दोबारा से फिल्मी दुनिया में आई तो सब कुछ बदल गया। उन्हें माँ, बहन और सास के रोल मिलने लगे। ललिता पवार सिर्फ कैरेक्टर रोल्स में ही सिमट गए, लेकिन इन करेक्टर रोल में भी ललिता पवार ने ऐसी जान फूकी कि वो हमेशा के लिए अमर हो गई। उनकी एक्टिंग का कमाल था कि जब वो दयालु माँ का रोल करती थी तो सभी की आंखें नम हो जाती। खड़ूस सास बनी तो दर्शकों ने खूब कोसा, और टीवी सीरियल रामायण में कपटी दासी मंथरा का किरदार निभाया तो दर्शकों के मन में नफरत और गुस्सा भड़क उठा। ललिता पवार वो हीरा थी जिसकी चमक से फिल्मी पर्दा कई सालों तक रोशन रहा, लेकिन अभी उनकी ज़िंदगी में एक और दुख आना बाकी था। उन्हें मुंह का कैंसर हो गया। एक न्यूज़पेपर की खबर के मुताबिक ललिता को जब कैंसर हुआ तब उन्होंने कहा था कि ये सज़ा भगवान ने दी है, ऐसा उन निगेटिव किरदारों की वजह से हुआ है जो मैंने फिल्मी पर्दे पर निभाए, क्योंकि दर्शकों ने उन किरदारों में मुझे खूब कोसा। कैंसर के बाद ललिता पवार की हालत दिनों दिन खराब होती गई। 24 फरवरी साल 1998 को 81 साल की उम्र में इस दुनिया से अलविदा कहने वाली ललिता पवार आखिरी समय पुणे में बंगले में अकेले रह रही थी। पति अस्पताल में भर्ती थे, बेटा बाहर था, घर का कोई फ़ोन नहीं उठा तो बेटे को चिंता हुई। उसने पुलिस को सूचना दी। दरवाज़ा तोड़ने पर पुलिस को ललिता पवार का शव मिला। पोस्टमार्टम में पता चला कि उनकी मौत 3 दिनों पहले ही हो गई थी। कई सारे अवार्ड से सम्मानित ललिता पवार 70 साल के लंबे एक्टिंग करियर में 700 से भी ज़्यादा फिल्में में काम किया है। इस वजह से उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। कुछ ऐसे किरदार और कलाकार जो जहन में ज़िंदगी भर छाप छोड़ देते हैं, ऐसे ही ललिता पवार लोगों के दिलों में बसी रहेंगी।
अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।